ये भाई साहब है, ये मेरे पास 2-3 बार पहले आ गए हैं, जी और इनके भाई साहब, इनके गांव के सरपंच भी अपने पास आए हुए हैं, जी जी और ये भाई साहब नहीं पहली बार आए हैं, इन्होंने कहा भी अपने को दिला के लाते हैं। तो सभी ने मिलके, किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने चार ऐसे गाय खरीदी। यानी कि एक ही गांव में 150 गाय आपने दी है, हाँ जी हाँ जी, और वो ही गाय ग्राहक जो रिपीट में आ रहा हो है। रहे हैं जी। यानी कि काम का जब ही पता चलता है जब व्यापारी के पास रिपीटर ग्राहक हो, सही है ना भाई साहब? गोवर्धन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी पशुपालक भाइयों को संदीप स्वामी की तरफ से राम राम, नमस्कार, स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो हमारी कन्हैया डेयरी फार्म जिला श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान से बना रहे हैं जी, काफी संख्या के अंदर गायें सेल के लिए अवेलेबल है, उनकी भी आपको प्रॉपर जानकारी शेयर की जाएगी। और भाई साहब के पास कस्टमर भी आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ से गायें परचेज करी है, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें। जो पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सके। तो सभी भाई ज्यादा से ज्यादा भाई यहाँ पर विजिट करें, विजिट करने के बाद में एक अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग, यानी कि कई भाइयों की रिक्वायरमेंट होती है, कोई एचएफ ब्रीड लेना चाहते हैं, कोई क्रॉस ब्रीड के अंदर, कोई साहिवाल, राठी, थारपारकर, यानी कि जैसी भी गायें आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर खुद उपस्थित होकर भाई साहब के फार्म पर भी सेल के लिए अवेलेबल रहती है। अगर इनके डेयरी फार्म पर किसी भाई को गाय नहीं पसंद आती तो बाहर फील्ड, बाहर के क्षेत्र से यानी कि घुमाकर भी गायें परचेज करवाई जाएगी। यहाँ पर हर तरीके की गायें यहाँ पर सेल के लिए अवेलेबल मिलती है, यानी कि लो प्राइस की भी होती है और हाईएस्ट प्राइस की होती है, जैसी कस्टमर की इच्छा होती है वैसी यहाँ से एक अच्छी दुधारू गायें अपनी देख परकर खरीद कर लेके जा सकते हैं। तो आगे की जानकारी लेते हैं भाई साहब के साथ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम, जय गो माता जी। जय गो माता। तो भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताएं जी। मेरा जी नाम पवन कुमार, गांव 19Z, जिला व तहसील श्री गंगानगर, स्टेट अपना राजस्थान है जी। जी मोबाइल नंबर है जी मेरा 9057815317, 90578715317। जी तो ये नंबर व्यूवर्स आपको नीचे स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। तो भाई साहब आज की वीडियो में कितनी गायें दिखाओगे जी? आज संदीप जी अपने पास 10 गाय है जी। अच्छा जी। गाय तो और भी है जी, 10 गाय दिखाएंगे। अच्छा जी। और कस्टमर भी आए हुए हैं, उनके साथ भी मुलाकात करवाते हैं जी। जी जो भाई कहते हैं भी हमको इस टाइप की चाहिए, उस टाइप की चाहिए, हर टाइप की गाय है जी। कोई भाई लेना चाहता है तो आके विजिट करके भी ले सकता है जी, ऑनलाइन भी मंगवा सकता है जी। अगर विजिट करें जी तो जो भाई आए हुए हैं जी उन्होंने क्या देखा, क्या नहीं, कैसे दिलाई, सारी जानकारी दिलवाएंगे। अच्छा। अगर कोई भाई विजिट करता है तो सबसे बढ़िया है जी। जी जी। अपनी देख परख के, इन भाइयों को आज तीसरा दिन है जी। जी तो इन्होंने लिए अपने से गाय जी, इनके जानकारी भी दिलवाएंगे आपको। तो यानी कि वीडियो को सभी भाई वीडियो को एंड तक देखें, एक एक कर गायों की डिटेल शुरू करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जो कस्टमर आए उनसे क्या जी, दूध है, कितना भाव है जी, जी जो आज का दाम है, यानी कि वो आज खुद आपने खुद नहीं बताएंगे, जो कस्टमर यहाँ से आए हुए हैं बाहर फील्ड में से घूमकर परचेज करिए, वो खुद बताएंगे इस बजट की ऐसी गाय मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। तो बुलाना भाई साहब जो कस्टमर आए हुए। राम राम भाई साहब। तो भाई साहब सबसे पहले अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताएं जी, कहाँ से आए हो आप? कालू जाट जी, किशनगढ़ जी, जिला भीलवाड़ा जी, कोटड़ी तहसील है जो कोटड़ी, कोटड़ी और जिला है जो भीलवाड़ा, तहसील है जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ गांव, किशनगढ़ है। अच्छा जी, गांव का नाम है किशनगढ़। ठीक है जी। तो भाई साहब से संपर्क कैसे हुआ था जी आपका? अरे जब मतलब ये फोन पर बात हुई। अच्छा जी। फोन पे अचानक सर्च कर देखे तो बाबू जी मेरी बात सुने एक मिनट, थोड़ा हिंदी हिंदी में बोलना जी, हिंदी में, जो भी भाई मित्र अपनी वीडियो देख रहे हैं तो उनको हिंदी भाषा समझ में आती है जैसे। हाँ जी भाई साहब अपना शुभ नाम बताए जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम ईश्वर गुर्जर जी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा से हूँ, राजस्थान से जी। तो भाई साहब पवन जी भाई साहब से आपका संपर्क कैसे हुआ था जी? पवन जी भाई साहब का मैं यूट्यूब पे देखता था जी, तो वहाँ पे मतलब इनका डेयरी फार्म का पता चला है जी, तो उनसे संपर्क करके फिर इनके पास आए हैं। अच्छा जी। तो इन्होंने हमें गाँव में घुमा के फिर अच्छी चीज गाय दिलाई है। अच्छा जी, कब आए थे आप?
हम सोमवार से आए हुए हैं, 3 दिन हो गए आज। सोमवार हाँ, को आप आए, 4th दिन है आज। अपने गुरुवार को वीडियो बना रहे हैं शाम के समय, सही है ना जी। तो व्यूवर से आपके सामने टाइम और डेट है, देख सकते हैं 4:47 हो चुकी है 21 दिसंबर को, शाम को वीडियो बनाई जा रही है। तो आपको भाई साहब सबसे पहले तो ये बताएं, 3 दिन यहाँ पर आए को हो गए, तो आप टोटल काफी बंदे आए हुए हो? हाँ, 10 जन आए हैं। 10 जन की मतलब रहने सहने की व्यवस्था कैसी हुई जी? अच्छी व्यवस्था थी इनकी, मतलब कहीं होटल में रुके गए इनके डेयरी फार्म पर? इनके डेयरी फार्म पे थे, फार्म पर रुके। तो फार्म पर रुके, रहने सहने की, खाने पीने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्यों, सर्दी का समय है जी, इतनी दूर से आप आए हो, अगर यही मतलब 3 दिन से अगर होटल में रुकते तो कितना खर्चा होता, परेशानी होती है जी। तो यानी कि पूरा सिस्टम है, कहने का मतलब ये है, जो भी भाई अपनी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं जी, मतलब देख के आ सकते हैं जी जी। पहुंची के बाद अच्छी व्यवस्था है, अच्छी गाय दिलाएंगे। अच्छा जी, अपने आसपास के फील्ड में घूम के दिलाएंगे जी, कोई मतलब है वो ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी भाई कहीं से भी आ सकता है और अपने देख प्रकार संतुष्टि कर एक अच्छी गाय लेके जा सकता है। तो पहुंची भाई साहब, जैसे आप पहले बता रहे थे, तो जैसे काफी समय से माल ये गाय लेके जा रहे हैं, ये भाई साहब इनके गांव के पहले 2-3 आदमी आए थे जी, तो उन्होंने मेरे से 20 गाय ली थी जी। अच्छा जी, अपने चैनल पे भी उनकी वीडियो भी डली हुई जी। जी जी, और लाइव भी जिन्होंने ली थी उनको भी दिखाया था फोन पे वीडियो कॉल करके जी जी। तो वही भाई साहब है, उनके पास अपने 2 साल से लगभग 60-70 गाय उनके घर पे जा चुकी है जी जी। इनके गांव में देखो तो 150-200 गाय अपनी जा चुकी है जी, आपके फार्म की यहाँ की खुद की मतलब जा चुकी है जी। ये भाई साहब है, ये मेरे पास 2-3 बार पहले आ गए हैं जी जी, और इनके भाई साहब इनके गांव के सरपंच भी अपने पास आए हुए हैं जी जी, और ये भाई साहब नहीं पहली बार आए हैं, इन्होंने कहा भी अपने को दिला के लाते हैं। तो सभी ने मिलके किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 4 ऐसे गाय खरीदी, यानी कि एक ही गांव में 150 गाय आपने दी है। हाँ जी, हाँ जी। और वो ही ग्राहक जो रिपीट में आ रहा है, यानी कि काम का जब ही पता चलता है जब व्यापारी के पास रिपीटर ग्राहक हो, सही है ना भाई साहब? तो आए से अभी आए हैं, मैं कह के कुछ जी जी बुलवा सकता हूँ जी जी। अगर कस्टमर रिपीट होता है हाँ जी, तब जी पता चलता है जी बंदे का। हाँ, मेरे पास आए हैं, मैंने 4 गाय दी है जी जी, तो भाई को जो भी बोलूंगा बोल देंगे जी जी। एक बार तो जी जी बंदा रिपीट होना है, दोबारा आए तो बढ़िया चीज देंगे, तो रिपीट आएगा, नहीं तो इधर को मुंह करके सोएगा। हाँ जी, हाँ जी, काम का जब ही पता चलता है भाई साहब, 150 गाय मायना रखती है एक ही गांव में देनी, और उसके बाद में ग्राहक आता है मतलब भाई साहब के पास ही आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। गाड़ी भी करवा के दी है, तो भी इन्होंने कहा उससे भी 4-5 हजार रुपए कम में, यानी कि जितना हुआ यहाँ से लेके वहां तक समेत खर्चे में 32 हजार रुपए में, समेत खर्चे में गाड़ी इनके घर पहुंचेगी। 9-10 गाय हाँ जी, समेत खर्चे यानी कि 750 किलोमीटर है। तो भाई साहब, जैसे इनके डेयरी फार्म से आपने कितनी गायें रखी है, और बाहर फील्ड के क्षेत्र में घूमकर कितनी गायें रखी है जी? डेयरी फार्म से इन्होंने 2 गायें रखी है जी। 2 गायें हमारे पास, जैसे कि आप दिखाते हो अपने चैनल पे, हमारे पास रहती है देसी ब्रीड की जी जी, और इनको दूध के लिए चाहिए थी क्रॉस ब्रीड की, जो कि अपने वीडियो में दिखाते हैं आगे गाय जी जी, इससे बड़ी गाय, तो इन्होंने क्रॉस ब्रीड की दूध के लिए लेनी थी जी जी। हाँ जी, तो पहुंची भाई साहब, एक एक जो भी अपने किसान मित्र वीडियो देख रहे हैं, अपने वीडियो बनाने का मेन प्रिंसिपल यही है कि जो भी मित्र देख रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि इस बजट के ऐसी गाय मिलती है। तो एक एक कर गायों की डिटेल शुरू करते हैं साथ के साथ जी। तो दोस्तों, सबसे पहले एक नंबर पर ये गाय आपको दिखाई जा रही है, गाय का बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, लेंथ देख सकते हैं, बहुत ही शानदार फुल बड़ी गाय है। तो जी पहुंची भाई साहब, इसकी डिटेल बताएं जी। अच्छा जी, यानी कि अभी प्रेग्नेंट है। कई भाई बोल देते हैं कि दूध रोक कर वीडियो बनाते हैं, तो ये उनके पास सामने पूरा रिकॉर्ड है जी, जेनियलिटी, सही है ना भाई साहब? जी, अभी तो 1 रुपए में 25 पैसे है जी। तो ब्यांत कौन सा है जी इसका? ब्यांत है, दूसरी बार बच्चा देगी जी, दूसरे ब्यांत के अंदर। और ब्रीड की बात करें तो भाई साहब, क्रॉस ब्रीड की है जी, क्रॉस ब्रीड की है। तो ये किसने ली है भाई साहब? कालू सिंह जाट। तो भाई साहब आप आए, पास में आए, तो ये गायें आपने इनकी डेयरी फार्म से रखी है कि बाहर से दिलवाई है जी आपको? बाहर से दिलवाई है। तो बाहर से दिलवाई, तो किसान ने इसका कितना रुपए डिमांड किया था, कितने रुपए मांगे थे जी? ये 1 लाख रुपए मांगा था। तो अपने सौदेबाजी करते करते भाई साहब ने ये कितने रुपए की दिलाई है आपको?
ये दिलाई थी उसको 80,000 80,000 रुपए की, 80,000 की। तो आपके आईडिया से ये कितना दूध निकाल देगी? मेरे को तो ये लगाया कि भाई के 10 लीटर दूध है एक टाइम का, 10 लीटर यानी कि 20 लीटर दूध निकाल देगी। निकालना प्लस है जी 20 लीटर का कह के इनको दिए। अच्छा जी, हाँ जी। निकालेगी ज्यादा निकालेगी। अच्छा जी, वो तो दिख रहा है जी जी जी। वो तो गाय का बॉडी स्ट्रक्चर, गाय की हाइट लेंथ देख कर मैंने वो 10 लीटर के ऊपर वो दी के भाई 10 लीटर है। अच्छा जी, तो आप तो काफी समय से भाई साहब के पास आ रहे हो। हाँ, गाय बढ़िया देते हैं जी। दो ढाई साल हो गया मैंने दो तीन बार है जी, फोन पर भी मंगवा लेते, फोन पे भी मंगवा लेते, गाड़ियों पे हर बार आते, दो तीन साल हो गया। अच्छा जी, हर बार। तो इससे आगे दोस्तों दूसरे नंबर पर गाय क्या है ये, इसकी देख सकते हैं जो ब्रीड करेक्टर है बहुत ही शानदार, प्योर चोलिस्तानी जिसको बोलते हैं। राठी ब्रीड के अंदर गदरी राठी और चोलिस्तानी गाय आज की वीडियो में चैंपियन बची है, देख सकते हैं ब्रीड करेक्टर। तो हाँ जी पवन जी भाई साहब, ये ब्याई हुई है जी। अच्छा जी, पीछे इसके बछड़ी है, बिल्कुल ताजी ब्याई हुई है जी, खीस से खाली हुई है जी, खीस से खाली हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और पीछे भी इसके इसके हुबू बछड़ी है जी, सेम इसके जैसी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो ब्याई हुई है, दूसरे ब्यात में ब्याई है जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो इन भाई साहब ने रखी है जी, हाँ जी। तो अपना शुभ नाम जी, इन्होंने 4 गाय रखी जी, बंवर लाल जाट आपका नाम। तो ये ब्याई हुई गाय है, तो इसका दूध निकाल के देखा है जी आपने, चेक किया है? हाँ जी, थर्ड चेक करके। अच्छा जी, तो ये कितने रुपए की रखी है आपने? ये 87,000 रुपए की, 87,000 की। कितना दूध निकाल देगी भाई साहब? ये कम से कम 8-9 लीटर दूध निकाल देगी। 8-9 लीटर यानी कि 16 लीटर दोनों टाइम के प्लस दूध देने वाली गाय है। अच्छा जी, तो भाई साहब बंवर जी भाई साहब, तो आप बता रहे हो कि यहाँ से 150 गाय जा चुकी है, तो पवन जी भाई साहब ने खराब कितनी गाय भेजी है जी? खराब हो गई। अच्छा जी, तो उसका कोई सोल्यूशन किया है जी के खाली? ये मेरा फोन करियो का आपस भरता है। अच्छा जी, अभी क्यों के भाई पाची आपस भर पाची के नाते जी जी दूसरी गाय दे दी हूँ। अच्छा जी, अभी बात हुई एक बार के बाद मतलब मुके महीने में गाड़ी में फेरू भी मंगा ली, तो ये गाय मर पाती ये भी कि नहीं, यानी कि गाय जो खराब हुई है वो गाय वापस ली है और उसकी बदले दूसरी गाय दी आपको? वो वापस नहीं ली। नहीं, अच्छा जी, दूसरी गाय भेज दी यानी कि बाकी नहीं ले। अच्छा जी, तो इससे आगे दोस्तों एक और क्रॉस ब्रीड की तीसरे नंबर पर गाय देख सकते हैं। तो जी पवन जी भाई साहब, इसकी डिटेल बताएं जी। ये भी दूसरे ब्यात में है जी। अच्छा जी, ये प्रेग्नेंट है जी। प्रेग्नेंट है, हाँ जी जी। इसका थन देख लो जी, जी। अलग अलग थन है जी, जी। देख लो जी, कॉम्पैक्ट अडर जी जी। हाँ जी, ये बछड़ी इसने भी देना है जी 20+ दूध, 20+ दूध देना है। अभी प्रेग्नेंट है, अभी लेगी 7-8 दिन। सुंदर गाय है जी। हाँ जी, अडर क्वालिटी बहुत सुंदर है, फेस की क्वालिटी और कलर अडर नहीं है जी। जी, कोई भी दिलाई है इनको, जो इन्होंने पसंद की वो गाय दिलाई है और देख परख की। तो आपकी संतुष्टि से दिलाई है भाई साहब? कोई धक्का जबरदस्ती नहीं किया, मतलब कहीं इनको कोई गाय में ज्यादा कमीशन मनता हो तो उसमें बोल दिया कि भाई साहब नहीं ये छोड़ दो ये लो, ऐसा तो नहीं किया? जो भी था जिसमें सहमत हो गया, जो आपको पसंद आई वही दिलाई है। तो ये गाय अपने खोल कर चला कर दिखाई है, ये आपने रखी है? हमने रखी है। अपना शुभ नाम जी? कालू नाम गुजर। तो ये भाई साहब ने कितने रुपए की दिलाई है और जिस किसान से ली है कितने रुपए इसका डिमांड किया था जी? उसने मांगा 70,000 रुपए। 70,000 रुपए, और सौदेबाजी करते हुए कितने रुपए की आपने रखी है? ये 61,000 पड़ गई। 61,000 रुपए की। तो पर गाय का आपसे क्या कमीशन लिया है जी बाहर से दिलवाने का? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए, 1,000 रुपए कमीशन लिया है। गाड़ी अपनी खुद की लेके आए, खुद की गाड़ी में लेके गए? नहीं नहीं, जैसे बाहर फील्ड में घूमे हो अपनी गाड़ी लेके आए। अच्छा, एक तो मेरी गाड़ी थी, आदमी ज्यादा थे जी जी जी, इनके पास गाड़ी थी। अच्छा जी, तो इससे आगे दोस्तों अगली इस गाय की तो डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, जो भी भाई अपना चैनल देखते हैं तो भाई साहब की दो दिन पहले वीडियो अपलोड की थी अपने, जब ये प्रेग्नेंट थी, अभी बच्चा दे दी थी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी हमने लिया, ये आपने रखी है। तो इसकी मैंने वीडियो डाली थी, इसमें बता रहे थे भाई साहब 20 लीटर दूध देगी, ऐसी गाय है जी 20 लीटर वाली है? देखो हमने तो निकाला सुबह जो 8 लीटर दूध, 8 लीटर दूध था, ताजी ब्याई है यानी कि ये तो जैसे आज से सामने ब्याई थी जी। अच्छा जी, इनके सामने ब्याई थी, कल देखो तो चौथी मिल्किंग थी जी। अच्छा जी, हाँ जी। फीस से खाली होगी? हाँ यानी इन्होंने जब ब्याई तब से ये देख रहे थे जी जी, इन्होंने सेलेक्ट कल की जी। कितने रुपए की रखी है भाई साहब? ये रखी जी 51,000। 51,000 रुपए,
65,000 रुपए भाई साहब ने इसका डिमांड किया था वीडियो के अंदर, सही है पवन जी भाई साहब? 51,000 रुपए की दी है। नहीं जी, इनको दी 55 की थी। अच्छा जी, तो इन्होंने मान लो जबरदस्ती कर ली जी, तो अपने रखनी है जी। जी जी, गाय जो भाई अपना चैनल देखते हैं उन्होंने 55 की 60 की भी मांगी थी। जी जी, लेकिन मैं इनके साथ बात कर चुका था। तो पवन जी भाई साहब ये तो वही बात होगी, ये तो आपके पुराने कस्टमर है और नए वीडियो देख रहे थे। हाँ जी, तो वीडियो में आपने बोला कि मैं तो 2,000 रुपए मान सम्मान करूंगा। बताएंगे कि मैंने 60,000 रुपए भी लगाए, एक भाई तो 55,000 के लिए पूरा दिन बैठा रहा। जी जी, 55 के आप आओ एक बार, मैं इनके साथ के हिसाब से तो इनको भी सुनाया। तो दोस्ती उनके साथ भी बनानी चाहिए जी इनको। हाँ जी, अभी आएंगे तो इनके साथ बात हो चुकी थी जी। अच्छा जी, कैसे बोलता है जी, क्योंकि ग्राहक एक ग्राहक ऐसा ना सोचे कि कोई भाई जैसे आप आए हो। इनको सारी खरीद जी जी और इसका किराया दलाली सारा कुछ दिखाया जी। जी जी, और उसमें इनको दी तो मेरे को 3,000 रुपए लॉस भी हुआ। अच्छा जी, कहते इतने देने, मैंने कहा चलो आपको संतुष्टि है कोई बात नहीं। जी जी, तो इससे आगे दोस्तों एक और क्रॉस ब्रीड की हाथी जैसी गाय देख सकते हैं। इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, अडर क्वालिटी है, जो मुट्ठी वाला ब्लैक आंचल बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत शानदार। तो जी पवन जी भाई साहब इसकी डिटेल बताएं जी। ये भी दूसरे ब्यांत में जी ब्याने वाली है। अच्छा जी, और गाय आपके सामने है जी। गाय तो आपके सामने है, यानी कि हाथी जैसी बड़ी गाय है। जी जी, तो क्या डिटेल क्या है जी इसकी पूरी? ये दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। अच्छा जी, हाँ जी, दूध की मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कितना निकालेगी जी। अच्छा जी, और जैसी इसकी सेवा चाकरी हुई है। जी जी, और बिल्कुल शांत स्वभाव की है जी। जी, जैसे मर्जी नीचे बैठे हो चाहे, ऐसे कोई न्याणे की और की। जी जी, वही कहते हैं जी, अच्छी चीज लोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा, एक बार पैसा तो लगेगा। जी जी, सोना लेते हैं ना जी, अंगूठी बनवाते हैं तो एक बार पैसे लगते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी अपने काम आता है जी। जी जी, हाँ जी, तो ये सभी क्रॉस ब्रीड में अपने गायें दिखा रहे हैं। क्रॉस ब्रीड में जी, तो इनकी क्या फेंट की परसेंट रहने वाली है जी? फेंट की देखो जी, मैंने तो चेक नहीं की, लगभग इनकी होती है जी 5.5-6.5-6 के करीबन होती है। आपने रखी है भाई साहब? क्या नाम है जी अपना? एक बार वापिस लाना भाई साहब। कैलाश जी, कौन सी नस्ल है जी ये? क्रॉस ब्रीड है। आपने रखी है तो पहले ऐसी गाय आपके घर पर है कि यही रखी है जी? नहीं, अभी अभी फर्स्ट बार भी रखी है। इनको जी, अच्छा, इनको देसी बंदे जी, इनको गाय के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है। अच्छा जी, लेकिन इनको ये कहते भी हमको नॉलेज नहीं है, आपने ही लेके देनी है जी। तो आपके सामने जी जो लेके दी है। हाँ, ये सही है, यानी कि पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। कोई ठग लिया तो जी? नहीं ठगा, पूरा जी, पूरी संतुष्टि है यानी कि। इसका रेट बताएंगे। अच्छा, तो आप भी अच्छे अचंभित हो जाएंगे जी। अच्छा जी, रुपए में कैसे मिलेगी जी? ओनली फॉर 70,000 रुपए में लेके दिए जी। मात्र 70,000 रुपए, 70,000 रुपए में। और जो जो गए इनको लेके दी वहीं पे, मैंने कहा अगर आपने बेचनी है तो यहीं पे नफा भी दिलवा देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं बोलना नहीं चाहता, बाकी आप भाइयों के सामने बिल्कुल वाजिब रेट है इस गाय का। ऐसी ऐसी गाय की अपने वीडियो भी देखते हैं, वीडियो भी अपलोड होती है, कम से कम भाई साहब 85,000 से 90,000 रुपए भाई जी। 1,25,000 रुपए मांगते हैं, सौदा होता है। अच्छा जी, लेकिन अपने साथ गए जी जी, किसी ने भी गलत रेट नहीं मांगा। जी जी, जैसे मान लो देने वाले रेट मांगे और इन्होंने लेने वाले रेट लगाए। अच्छा जी, सौदा हो गया जी। यानी कि जो किसान मित्र लेना चाहते हैं उनको माल मिलता है, माल मिलता है। अगर खाली कमेंट करना और नकोचे निकालनी, उनको तो क्या मिलेगा जी? अब लाख वाली के मान लो 70,000 की लेने वाली थी। जी जी, जाके अपने लगाएंगे मेरे से 35 ले ले। जी जी, मेरे से 25 ले ले। जी जी, तो क्या दिलाने वाला करेगा? जी जी, और क्या देने वाला करेगा जी? तो दोस्तों जो भी गायें दिखा रहे हैं भाई साहब, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। हर एक गाय का बॉडी स्ट्रक्चर, अडर क्वालिटी। तो जी, इसलिए तो कह रहा हूँ 150 गाय गई है मेरी। अच्छा जी, गाय दिलवाई इसलिए 150 गई है जी। अच्छा, ऐसी ऐसी गाय भेजी है तो ग्राहक अपने आप रिपीट में आता है। रिपीट में आता है जी। जी जी, बछड़ी देख लो जी। जी, पहले ब्यांत में है जी, फर्स्ट ब्यांत के अंदर है। जी जी, अच्छा जी, फर्स्ट ब्यांत के अंदर है। तो अडर क्वालिटी दोस्तों चारों थनों के बीच में आप इसके भी गैप देख सकते हैं। तो दूसरा माइक भाई साहब जी। जी, आपने रखी है जी? जी, मेरी। तो भाई साहब कितने रुपए की रखी है जी? ये अपन ने लिए साहब 1.5 लाख रुपए कस्टमर ने मांगे थे उनसे। अच्छा जी, मतलब मेरे से मांगे थे जी, और 90,000 में ली। मात्र 90,000 रुपए की? 90 में भी यहाँ पहुंची है जी, सौदा 87.5 का हुआ था जी। 90,000 रुपए की? 1,000 रुपए भाड़ा करके यहाँ पे 90,000 में यहाँ पहुंच गई, 87.5 हजार रुपए में। दूध कितना दे देगी पहुंची है? दूध अब देखो भाई साहब को बता रहा हूँ, 28 लीटर प्लस बता रहा, 28 लीटर प्लस, 30 प्लस दे रहा है। आपने क्या सोच के लिया है जी?
नहीं नहीं दूध आपने, एक तो अगला कस्टमर जैसे मतलब मेरी बात सुनो, एक तो अगला बता रहा है, एक खुद अपने ले रहे हैं अपने भी कुछ टाइम से वीडियो देख रहा हूँ ऐसी गायों का, तो मुझे पता है अभी इतना दूध तो हो ही जाएगा। जी जी, क्योंकि ऐसी गायों में लगभग ये गायें है 25 प्लस मिल्क कैपेसिटी वाली है। तो दोस्तों गायें भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गायें हैं, हर कस्टमर की दिमाग सोच के हिसाब पर आज की वीडियो में भाई साहब गायें दिखा रहे हैं। कस्टमरों के साथ वीडियो अपलोड हो रही है, किस बजट की कैसी गायें रखी है ये भी आप भाइयों के साथ शेयर की गई है। तो पवन जी भाई साहब ऐसी गायें और भी, तो भाई साहब आपने जैसे 10 गायें अभी रखी है टोटल, जैसे 8 गायें बाहर फील्ड में घूम कर देखी है, तो उनके अलावा भाई साहब ने बाहर फील्ड में क्षेत्र में घूम कर और कितनी गायें देखी होगी आपने टोटल? बहुत सारी गायें देखी, फिर भी आईडिया से जी देख लो लगभग 100 जगह देखी होगी। 100 जगह देखी होगी, 4 दिन हो गए जी, 4 दिन हो गए जी। इन्होंने कोई मांगी भी ना और वो लेने वाली नहीं थी, तो अपने मना करके इनको हटाया भी है, अपने नहीं रखनी है। तो मिनिमम पवन जी भाई साहब इनको कितनी गायें दिखाई होगी? मिनिमम मेरे को भी गिनती नहीं है जी, 4 दिन हो गए देख लो जी, सुबह निकल जाते थे 8 बजे, अच्छा जी, और शाम को 8-9 बजे। फिर भी कुछ आइडिया होगा दिन में अप्रोक्सीमेटली मतलब 200-300 गायें की एवरेज आई होगी? हाँ जी, दिन में 200-300 तो गई होगी, यानी कि कम से कम मतलब 600-700 गायें देखी है आपने। 600-700 गायों में जो भी गायें आपको पसंद आई, सिलेक्टेड गायें यानी कि हर तरीके से आपकी संतुष्टि करवा के भाई साहब ने परचेज करवाई है, तो इसीलिए आपके गांव में 150 गायें गई है जी। बाकी भाव जी देख लो गाय है, 10 आदमी खड़े हैं जी, कोई वो नहीं है वाली सारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शाम देख लो जी जी जी, अपने वही है भी, दूध चाहे इनके भी बाल बच्चे हैं, दूध लीटर कम निकाल दे, 25 ही निकाल दे कोई बात नहीं जी, लेकिन ऐसे ना हो भी बांध बांध के दूध निकालना पड़े जी, जी। जो बंदा पैसा लगाता है ना जी, जी उसको अपने एक नंबर ही माल लेके देते हैं जी, जी। अब जिसने कहना है भी मेरे को 20 की दे दो, मेरे को 15 की, 15-20 की, तो वैसी गाय आती है जी जी, अपने ऐसी गाय देते ही नहीं। जो बंदा पैसे लगाना वाला है बेझिझक 12 महीने 30 दिन कभी भी आ सकता है, आके 1, 2, 5, 10 जितनी भी लेनी है, टाइम तो लगता है जी, जी। ऐसी चीजें लेने में, ये भाई भी एक दिन जल्दबाजी कर रहे थे, यार दिखाओ दिखाओ, मैंने कहा टाइम लगेगा, अगर आपने लेनी है तो ले, नहीं लेनी है तो भाई जी लेट मत हो जी। फिर इनको पहले दिन कुछ नहीं लिया जी, दूसरे दिन गाय हुई, पहले दिन इनको दिखाया जी, दिखा के रेट शेट सबका, तो पहले दिन ही सौदा होने लग जाए तो किसी को ऐसा लगता है यार मैंने महंगी ले ली जी, या मेरे को दिखाई नहीं और देखता, तो पहले दिन इनको ओनली गाय दिखाई जी, दूसरे दिन दिलाई, फिर तीसरे दिन दिलाई, आज चौथे दिन लोड करवा रहे, चौथे दिन लोड करवा। हाँ जी हाँ जी, तो भाई साहब ये रेट आपको जायज लगे कि ज्यादा लगे जी? जायज, वो तो भाई जो देखने वाले हैं वो बताएंगे जी, इनको तो लगा होगा कि महंगी है, लेकिन जो भाई देख रहे हैं वो बताएंगे भी महंगी है, उनको तो इनसे ज्यादा लगेगा जी। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं क्यों लगेगा जी, जो मान लो 1 रुपया तो 1 रुपये में चलेगा जी, अगर कोई 50 पैसे में चलाएगा तो नहीं चलेगा, चल जाएगा, लेकिन 1.5 रुपये में चलाएगा तो नहीं चलेगा। इन्होंने तो 4 दिन से भाई साहब यहाँ पर है, 4 दिन बिल्कुल जी बिल्कुल, कम से कम 500-600 किलोमीटर यानी कि घूम कर एक एक चुनकर गायें रखी है, आप बता रहे हो कि इनको थोड़ी महंगी लग रही है, जो घर बैठे रजाई में बैठकर वीडियो देख रहे हैं उनको तो इनसे ज्यादा महंगी लगेगी जी, वो बोल रहा हूँ मैं तो, उनको तो लगेगी, वही तो मैं कहता हूँ हर वीडियो में, आप जी जी आओ, जी 100 गाय देख के उसमें से 2 निकालो, हमको कोई दिक्कत नहीं है जी जी, अपने पसंद करके फिर ले, रजाई में बैठे वो कहते ना सोए हुए के तो पांडे जन्म होते हैं जी जी, वही अपने भाई है जी, मित्र है जी, हाँ जी, जो वीडियो देखकर इतना प्यार देते हैं, चाहे नेगेटिव कमेंट ही जरूर करे पर प्यार तो जरूर देते हैं जी वीडियो, सही है ना भाई साहब जी जी। तो कोई भी भाई और भी इनके पास आना चाहते हैं गायें लेने के लिए, तो इनके कामकाज के बारे में क्या कहना चाहोगे जी? अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया अच्छा काम, कोई भी भाई आ सकता है आकर अपनी देख प्रकर ले जी 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 जी। पवन जी भाई साहब एक बार फिर से अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस बता दीजिए। अपना जी कांटेक्ट नंबर है 9057815317 9570151517 जी जी, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाइयों आप आके लो जी, क्योंकि जो लाख लाख रुपए की गाय है इतनी पूंजी इकट्ठी करने में बहुत टाइम लगता है जी, आप 2-10 दिन टाइम लेके जी फिर आओ, 1-2 दिन का टाइम निकाल के लेके आओ, 2-5 हजार रूपए खर्चा ज्यादा भी लग जाएगा लेकिन पछताना नहीं पड़ेगा जी जी। हाँ जी धन्यवाद भाई, जय गो माता, जय गो माता।